जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, वंदे भारत को लेकर भारतीय रेलवे ने तारीख घोषित कर दिया है और 11 जुलाई 2024 से एक रूट पर वंदे भारत को भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है। और इसको लेकर इसके ऑफिशियल ट्रेन नंबर, कहां से कहां ये गाड़ी चलने वाली है, किस टाइम टेबल पर ये गाड़ी चलेगी, इसके लिए फेयर कितना रखा गया है, मतलब कि ए टू जेड जो इन्फॉर्मेशन इस वंदे भारत से रिलेटेड वो भारतीय रेलवे ने जारी कर दिया है। और इसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि 11 जुलाई 2024 से आखिर किस रूट पर इस वंदे भारत की शुरुआत होने जा रही है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। और अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की से डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ पर समय समय पर यात्रियों की मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे वंदे भारत को चलाती रहती है एंड यहाँ पर डिमांड को देखते हुए ही ये जो वंदे भारत है जो की 11 जुलाई से चलने वाली है, इसको चलाने का फैसला रातों रात लिया गया है। यानी कि ये बिल्कुल भी अनप्लान अनाउंसमेंट है, इसको लेकर कोई बड़ी प्लानिंग नहीं था। लेकिन यहाँ पर डिमांड को देखते हुए, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वंदे भारत को चलाने का जो बड़ा फैसला है वो लिया गया है। और एक्चुअली हमारी इस वंदे भारत में टोटल 8 कोच वाला जो रेक है व्हाइट लिब्रे वाला वो यूज होने वाला है। वहीं दोस्तों, इसको लेकर डिटेल रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। और एक्चुअली दक्षिण रेलवे ने इस वंदे भारत को चलाने के लिए जो लॉन्चिंग तारीख है उसकी घोषणा करी है। इसी कड़ी में इसके रूट के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो गाड़ी है वो चेन्नई और नागरकोइल के बीच में चलने वाली है और ये हफ्ते में 4 दिन इसकी सेवा आपको देखने को मिलेगी। और इसे ऑपरेट करने के लिए भारतीय रेलवे ने चुनिंदा जो तारीखें हैं उसको तय कर दिया है। इस वंदे भारत का जो ट्रेन नंबर है ऑफिशियल वो दिया गया है 06067 एंड 06068 एंड इसी ऑफिशियल ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी चलने वाली है जो कि इस जुलाई के महीने में 8 दिन अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाली है। वहीं बात करेंगे तारीख की तो 11 जुलाई 12 जुलाई 13 14 18 19 20 और 21 जुलाई को ये जो गाड़ी है वो चेन्नई एगमोर से रवाना होगी और नागरकोइल पहुंचेगी। और इसको लेकर बताया गया है कि रेलवे यात्रियों की भारी तादाद को देखते हुए इस स्पेशल वंदे भारत को चलाने का जो बड़ा फैसला है वो बिल्कुल अचानक लिया गया है। वहीं दोस्तों, ये जो हमारी वंदे भारत है चेन्नई से नागरकोइल के बीच में चलने वाली, यह ट्रेन हफ्ते में गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार को अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो ये गाड़ी सुबह 5 बजे रवाना होगी चेन्नई एगमोर से और दोपहर 1:50 पर नागरकोइल पहुंचेगी। और वापसी के दौरान नागरकोइल चेन्नई वंदे भारत बनकर यानी कि 06068 बनकर उसी दिन दोपहर में 2:20 पर नागरकोइल से चलेगी और रात में करीबन 11 बजे ये गाड़ी चेन्नई एगमोर पहुंचेगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इसके स्टॉपेज के बारे में कि ये गाड़ी कहां कहां रुकने वाली है। तो अपनी यात्रा के दौरान ये जो गाड़ी है वो टोटल 6 जगहों पर रुकने वाली 6 स्टेशनों पर इसके हॉल्ट दिए गए हैं। वहीं बात करेंगे इन्हें रेलवे स्टेशनों की तो ताम्बरम, विल्लुपुरम, त्रिची, डिंडीगुल, मदुरई, कोविलपट्टी और नेल्लई में ये गाड़ी अपना हॉल्ट लेने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसके किराए के बारे में कि इसका जो किराया है वो कितना तय किया गया है। तो अगर मैं टिकट की कीमतों की बात करूं तो यहाँ पर एसी चेयर कार के लिए 1605 रुपये और एग्जीक्यूटिव चेयर कार के लिए 3245 रुपये का जो टिकट फेयर है वो इस गाड़ी के लिए तय किया गया है। और माना जा रहा है कि चेन्नई और नागरकोइल के बीच में इस स्पेशल वंदे भारत ट्रेन के चलने से जो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी, उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा और यात्रियों की जो तादाद है, यात्रियों की जो भीड़ है, उसको कम करने में कहीं ना कहीं हमारी ये जो वंदे भारत है वो मदद करने वाली है। यानी कि दोस्तों, चेन्नई से नागरकोइल वाला रूट ऐसा है कि इस पर हमेशा से ही स्पेशल वंदे भारत को भारतीय रेलवे चलाती रहती है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से इस वंदे भारत को 11 जुलाई से शुरू करने का जो फैसला है वो लिया गया है और जुलाई के महीने में टोटल 8 सर्विस के लिए हमारी ये जो चेन्नई नागरकोइल वंदे भारत है वो चलने वाली है टोटल 8 कोच के साथ। वही मैं एक बार फिर से तारीख आपको बता देता हूँ तो जुलाई के महीने में 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20 और 21 जुलाई 2024 को हमारी चेन्नई नागरकोइल वंदे भारत रफ्तार भरने वाली है एंड इसको लेकर टिकट बुकिंग भी भारतीय रेलवे ने ओपन किया है। तो अगर आपको भी इस गाड़ी में टिकट बुक करना है तो आप इजीली IRCTC की वेबसाइट से या फिर रेलवे के टिकट काउंटर से इस गाड़ी में आप टिकट बुक कर पाएंगे। वहीं दोस्तों, इसके अलावा भी साउथ इंडिया में बहुत सारे रूट ऐसे हैं जिन पर स्पेशल वंदे भारत गाड़ी चलाने की जो मांग है, जो डिमांड है, वो अभी के टाइम में आ रही है एंड इसी को ध्यान में रखते हुए और भी बहुत सारे रूटों पर जो हमारी स्पेशल वंदे भारत है इसकी शुरुआत भारतीय रेलवे कर सकती है बहुत जल्दी ही। जिसमें से एक रूट है हमारा मदुरई से बैंगलोर वाला, यानी कि मदुरई से बैंगलोर वाले रूट पर भी हमारी जो स्पेशल वंदे भारत गाड़ी है इसकी शुरुआत हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिल सकती है एंड मे बी जुलाई के महीने में ही मदुरई से बेंगलोर के लिए इस स्पेशल वंदे भारत की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करे यात्रियों की डिमांड को देखते हुए। बाकी दोस्तों, इससे पहले भी कई बार के लिए चेन्नई से नागरकोइल वाले रूट पर इस स्पेशल वंदे भारत का जो परिचालन है वो भारतीय रेलवे कर चुकी है और जितनी बार ये गाड़ी चली है चेन्नई से नागरकोइल के बीच में काफी अच्छी कमाई करी है, काफी अच्छे ऑक्यूपेंसी रेट के साथ इस गाड़ी ने अपनी सेवा प्रदान करी है एंड इसीलिए दोस्तों भारतीय रेलवे साउथ इंडिया के अंदर स्पेशल वंदे भारत को चलाने में भी कोई भी देरी नहीं करती है, तुरंत से ही फैसले लेती है और गाड़ियों को उतार देती है सेवा में। और कहीं ना कहीं हमारी ये जो स्पेशल वंदे भारत गाड़ियां हैं जो कि साउथ इंडिया में चलती है वो यात्रियों की जो भीड़
भीड़ है यात्रियों की जो बड़ी संख्या है उसको कम करने में कामयाब भी दिखती है। और जो लोगों को चल रही पॉपुलर गाड़ियों में टिकट नहीं मिलते हैं उनके लिए ये जो स्पेशल वंदे भारत है वो काफी बड़ी सौगात बनकर आती है, काफी बड़ी वरदान साबित हो जाती है। एंड ऐसा ही कुछ होने वाला है 11 जुलाई के बाद चेन्नई से नागरकोइल वाले रूट पर। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि साउथ इंडिया के अलावा नॉर्थ इंडिया के कौन कौन से रूटों पर स्पेशल वंदे भारत चलाने की नीड है, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मैं जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मुझे आप लोग कमेंट में पूछिए। एंड आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।